हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करोगे तभी तो हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँच पाएंगे। इसलिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में यस जरूर टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है शेटर्ड और ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर मिस्ट्री मूवी है, इसलिए ये मूवी आपको बहुत ही पसंद आने वाली है और मूवी के एंड में ही सारी मिस्ट्री ओपन होगी, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और अंत तक देखिएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें रात का समय दिखाया जाता है और इस रात के समय में एक गाड़ी पहाड़ों से होती हुई कहीं जा रही थी, तभी वो गाड़ी कंट्रोल खो देती है और वो गाड़ी खाई से नीचे जा गिरती है। उस गाड़ी से एक लेडी बाहर आकर गिरती है और उस गाड़ी के अंदर अभी भी एक आदमी फंसा हुआ था। वो गाड़ी पूरी तरह से चकनाचूर हो गई थी और उस गाड़ी के अंदर फंसा आदमी भी बुरी तरह से घायल हो गया था। मूवी के अगले सीन में हमें जूडिथ मैरिक नाम की लेडी को दिखाया जाता है जो कि हॉस्पिटल में अपने बेड पर लेटी हुई थी। जूडिथ को मामूली चोटें आई थी और एक डॉक्टर आकर जूडिथ की पल्स चेक करता है। डॉक्टर जूडिथ से कहता है, तुम काफी लकी लेडी हो जो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में तुम्हें मामूली सी खरोचे आई, पर यह बात तुम्हारे हस्बैंड मिस्टर मैरिक के लिए नहीं कही जा सकती। डॉक्टर की यह बात सुनकर जूडिथ घबरा जाती है और उसे लगता है कि उसके हस्बैंड के साथ जरूर कुछ बुरा हुआ है। तब डॉक्टर कहते हैं, हम आपके पति को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी वेंटिलेटर पर लेटा हुआ था जो कि जूडिथ का पति मिस्टर डैन मैरिक था। एक्सीडेंट की वजह से डैन का पूरा चेहरा बुरी तरह से बिगड़ चुका था। थोड़ी देर बाद डैन को होश आता है तो जूडिथ डैन के सामने खड़ी थी, पर डैन जूडिथ को नहीं पहचान पाता और डॉक्टर जूडिथ को बताता है डैन अपनी याददाश्त खो चुका है, उसे अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ भी याद नहीं रहा। जूडिथ पूछती है, डैन कब तक ठीक हो जाएगा? डॉक्टर जूडिथ को बताते है, इसका मैं कोई फिक्स जवाब नहीं दे सकता। हो सकता है उनकी ये हालत एक हफ्ते तक रहे या उनकी ये सिचुएशन परमानेंट भी हो सकती है। मूवी के अगले सीन में दिखाया जाता है कि डैन को हॉस्पिटल से एयरलिफ्ट करके दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा था। डॉक्टर डैन की पुरानी तस्वीरों को देखकर उसकी प्लास्टिक सर्जरी कर रहे होते हैं ताकि डैन पहले जैसा दिख सके। सर्जरी के बाद जूडी डैन को उसकी पुरानी तस्वीरें दिखाती है। अपने पुराने खूबसूरत चेहरे को देखकर डैन रोने लगता है। उसके चेहरे पर ऑपरेशन के बाद काफी सारे घाव दिखाई दे रहे थे। तब जूडिथ डैन को चुप कराती है और कहती है, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी। डैन के चेहरे पर काफी सारी प्लास्टिक सर्जरी के बाद उसका चेहरा थोड़ा ठीक लगने लगा था। डैन धीरे धीरे बेहतर होने लगा था और वो बैसाखी के सहारे चलने लगा था। आगे हॉस्पिटल रूम में जूडिथ डैन को बताती है वो दोनों मैक्सिको गए हुए थे, वहां पर उन दोनों ने खूब सारी मस्ती की। जूडिथ कहती है, मैं चाहती हूँ हॉस्पिटल से निकलने के बाद हम लोग सीधा मैक्सिको जाए, वहाँ पर उन पुराने दिनों को वापस जीने। डैन कहता है, ये काफी अच्छा प्लान है, पर मैं चाहता हूँ हम लोग सैन फ्रांसिस्को जाए, जहाँ पर मैं काम करता हूँ, जहाँ पर मैं रहता हूँ। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि जूडिथ डैन को हॉस्पिटल से निकाल कर अपनी गाड़ी में अपने साथ कहीं ले जा रही थी। आगे जूडिथ डैन को अपने घर पर ले जाती है और घर को देखकर डैन काफी खुश होता है, यह सोचकर कि वो इतने आलीशान बंगले में रहता है। जूडिथ और डैन घर के अंदर जाते हैं और डैन उस घर को पहचानने की कोशिश कर रहा होता है, तभी जेब का फोन आता है और फोन जूडिथ उठाती है। डैन ऊपर वाले कमरे में चले जाता है और वो घर में लगा हुआ शीशा देखता है, तभी डैन को वापस उस एक्सीडेंट की याद आती है जब गाड़ी का शीशा उसके चेहरे पर लगा था। यह याद कर डैन उसके सामने लगे शीशे को तोड़ने लगता है। तब जूडिथ दौड़ते हुए ऊपर जाती है और वो देखती है डैन अपनी छड़ी से शीशे को तोड़ रहा था। जूडिथ डैन को शांत कराते हुए कहती है, मुझे पता था डैन तुम शीशे को देखकर कैसा रिएक्ट करोगे, पर घबराने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, ऐसा कहकर जूडिथ डैन को शांत कराती है। और अगले दिन जूडिथ डैन को उस एक्सीडेंट वाली साइट पर ले जाती है जहाँ पर उनकी कार का एक्सीडेंट हुआ था। डैन पहाड़ी से नीचे आते हुए उस गाड़ी को देखता है और वो गाड़ी पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी थी। जूडिथ डैन को बताती है, हम जेब और जेनी के घर से वापस लौट रहे थे और जेब की आदत है कि वो अपने गेस्ट को जरूरत से ज्यादा दारू पिला देता है, और ऐसा ही कुछ 31 दिसंबर की पार्टी में भी हुआ था, उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया था। आगे डैन और जूडिथ दोनों साथ में थे और तब डैन को अपना फोटो दिखाई देता है। उस फोटो में डैन के हाथ में एक सिगार था। उस फोटो को देखकर डैन सिगार बॉक्स से सिगार निकालकर जलाने लगता है, तभी उसे सिगार बॉक्स में एक अजीब सी चीज नजर आती है।
डैन उस चीज को निकाल कर देखता है तो उसे पता चलता है ये किसी कैमरे के फोटो की रील है। तब डैन मैग्नीफाइंग ग्लास से उस रील को देखने लगता है। डैन को फोटो के रील में एक कपल इंटीमेट होता हुआ दिखाई दे रहा था। डैन उस फोटो की रील में उस लड़की का चेहरा देखता है, तब उसे पता चलता है ये लड़की कोई और नहीं बल्कि उसकी वाइफ जुडित थी। डैन को लगता है कि वो फोटो उन दोनों की होगी और डैन उस रील को आगे देखने लगता है। जब आगे डैन को उस आदमी का चेहरा दिखाई देता है जो उसकी वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था, तो वो आदमी डैन नहीं था बल्कि उसकी जगह कोई और आदमी था जो जुडित डैन की वाइफ के साथ इंटीमेट हो रहा था। डैन ये सब देखकर बिल्कुल शॉक रह जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तब डैन को हल्का हल्का कुछ याद आने लगता है कि 31 दिसंबर की नाइट को वो सभी पार्टी में थे और डैन को बार बार अपनी वाइफ जुडित किसी और आदमी के साथ दिखाई देती है। तभी जुडित उस रूम में आ जाती है और वो डैन से पूछती है, तुम अकेले यहाँ पर क्या कर रहे हो? जुडित को देखकर डैन उन फोटो की रील्स को छुपा देता है और जुडित डैन को बताती है जेनी का फोन आया था, वो हमें डिनर के लिए फोर्स कर रही थी पर मैंने उसे टाल दिया। तब डैन कहता है मैं चाहता हूँ हम लोग जैब और जेनी के वहाँ डिनर पर जाए। मूवी के अगले सीन में डैन और जुडित जैब के घर पर जाते हैं। डैन और जुडित जैब और जेनी के साथ मिलकर डिनर करते हैं। तब जेनी डैन से कहती है मैं समझ सकती हूँ डैन के एक्सीडेंट के बाद उसकी क्या हालत हुई होगी, हम चाहते थे कि हम तुमसे मिलने हॉस्पिटल आए पर जुडित ने हमें मना कर दिया था। तब जुडित कहती है एक्चुअल में डॉक्टर ने हमसे ऐसा कहा था कि डैन का किसी और से मिलना इस वक्त सही नहीं रहेगा। आगे जेब डैन को अपने साथ दूसरे रूम में ले जाता है। डैन जेब से पूछता है क्या मेरे एक्सीडेंट से पहले मेरा और जुडित का रिश्ता क्या किसी बुरे दौर से गुजर रहा था, क्या हमारी शादीशुदा लाइफ में कुछ प्रॉब्लम थी? जेब डैन से कहता है हाँ तुमने डिवोर्स लेने की बात मुझे एक दो बार बताई थी। डिवोर्स की बात सुनकर डैन हैरान हो जाता है। डैन जेब से पूछता है क्या जुडित का किसी के साथ अफेयर चल रहा था? जेब कहता है ये बात मुझे कैसे पता होगी, और अगर उसका किसी के साथ अफेयर चल भी रहा होगा तो उसके जिम्मेदार तुम होंगे क्योंकि तुम जुडित को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करते हो, खासकर जो तुमने उसके साथ मैक्सिको में किया था। मैक्सिको के बारे में सुनकर डैन हैरान रह जाता है क्योंकि जुडित ने जो कहानी बताई थी उसके हिसाब से उन दोनों ने मैक्सिको में काफी अच्छा समय बिताया था। तभी जेनी उस रूम में आ जाती है और वो जेब से कहती है क्या तुम लोग बिजनेस की बातें बंद करोगे क्योंकि मुझे डैन से कुछ बातें करनी है। आगे जेनी डैन को बीच पर लेकर चली जाती है। आगे जेनी कहती है मैंने महसूस किया कि तुम काफी अनकंफर्टेबल थे। डैन कहता है मैं बस ये चाहता हूँ कि कोई मुझे मेरी जिंदगी के बारे में सब कुछ सच सच बता दे। जेब ने मुझे बताया कि जुडित के साथ मैंने मैक्सिको में काफी बुरा बर्ताव किया था। जेनी कहती है जेब ने तुम्हें मैक्सिको के बारे में बताया तो क्या जेब ने तुम्हें स्टेंटन के बारे में बताया? जैक स्टेंटन जो तुम्हें मैक्सिको में मिला था उसने अपने आप को पहले आर्किटेक्ट बताया था और उसके बाद उसका और जुडित का अफेयर चल रहा था। जैक जुडित के पीछे पीछे सैन फ्रांसिस्को तक भी आ गया था और मैंने तुम्हारे एक्सीडेंट के एक रात पहले जैक को जुडित के साथ एक होटल में भी देखा था। डैन जेनी की सारी बातें ध्यान से सुन रहा था पर उसे जेनी की एक भी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तब जेनी डैन के पास आकर कहती है तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो, तुम मरते मरते बाल बाल बचे हो, जुडित ने तो तुम्हें मारने की पूरी प्लानिंग कर ली थी, और अगर मैं सही नहीं हूँ तो इतने खतरनाक एक्सीडेंट में जुडित को एक भी खरोच क्यों नहीं आई, और तुम्हें बचाने के लिए इतनी सारी सर्जरी करनी पड़ी और तुम्हारी याददाश्त भी चली गई। डैन कहता है जुडित को चोट नहीं आई क्योंकि वो गाड़ी से पहले ही गिर गई थी। जेनी डैन को ठीक से याद करने के लिए कहती है क्या सचमुच जुडित गिरी थी या वो जान मुझ के पहले ही गाड़ी से कूद गई थी? जेनी की ये सारी बातें सुनकर डैन सोच में पड़ जाता है कि आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था। अगले दिन डैन उसी होटल में जाता है जिसके बारे में उसे जेनी ने बताया था और डैन उस होटल में जाकर उस होटल को अंदर से देखने लगता है। तब उस होटल का मैनेजर डैन के पास आता है और वो डैन से कहता है अब आप कैसे हो मिस्टर मैरिक, आपके एक्सीडेंट के बाद से अब आपकी हालत में काफी सुधार आ चुका है, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? तब डैन कहता है मुझे अपनी जिंदगी के बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं रहा, और डैन मैनेजर को जुडित का फोटो दिखाते हुए कहता है क्या आप मुझे इस लेडी के बारे में कुछ बता सकते हो? तब मैनेजर इशारों में डैन से कुछ पैसों की मांग करता है और डैन इशारा समझकर मैनेजर को कुछ पैसे देता है। तब मैनेजर डैन को बताता है ये लेडी हर दोपहर में यहाँ पर आया करती थी किसी दूसरे आदमी के साथ और उस आदमी का नाम जैक स्टेंटन था, ये दोनों यहाँ पर रुका करते थे, फिर ये दोनों एक ही रूम में काफी वक्त स्पेंड करते थे। जुडित के बारे में ये सारी बातें सुनकर डैन वहां से जाने लगता है। तब वो मैनेजर डैन से कहता है आपकी वाइफ को मेरा सम्मान देना मिस्टर मैरिक,
मैनेजर के मुंह से ये बात सुनकर डैन हैरान हो जाता है, क्योंकि मैनेजर को लगता था कि डैन की वाइफ जुडित नहीं बल्कि कोई और है, और इसका एक ही मतलब था कि डैन भी किसी और लड़की के साथ होटल में आया करता था। आगे डैन अपने ऑफिस में जाता है, जहां पर डैन से जेब मिलता है और जेब डैन को उनके बनाए कॉम्प्लेक्स का प्रोजेक्ट मॉडल दिखाता है। आगे जेब डैन को डैन के केबिन में ले जाता है और उनकी सेक्रेटरी नैन्सी से मिलाता है। आगे डैन अपने ऑफिस टेबल से अपनी डायरी निकालता है और वो 31 दिसंबर के पहले की सारी डेट्स की डिटेल को देखने लगता है कि उसने दुर्घटना से पहले क्या क्या काम किए थे, वो किन किन लोगों से मिला था। तब डैन को उस डायरी के अंदर क्लेन नाम के आदमी का नंबर दिखता है, जिसे उसने स्पेशल तरीके से मार्क कर रखा था। डैन उस नंबर पर कॉल करता है तो उसे पता चलता है वो नंबर किसी एनिमल केयर का था। तभी नैन्सी डैन के लिए कॉफी लेकर आती है और डैन नैन्सी से पूछता है, क्या तुमने कभी किसी क्लेन नाम के आदमी के बारे में सुना है? डैन के मुंह से क्लेन का नाम सुनकर नैन्सी पहचान जाती है और वो कहती है, हाँ, एक क्लेन नाम का आदमी मुझे बहुत परेशान करता था। वो जनवरी से मुझे कॉल कर रहा है। आपको शायद उसे कुछ पेमेंट देनी थी, पर आपने हमें नहीं बताया कि वो पेमेंट आपको किस लिए देनी थी, इसलिए हमने उसकी पेमेंट रोक दी थी। उसका पेमेंट इनवॉइस अभी भी फाइल में रखा हुआ है। डैन वो इनवॉइस देखता है तो उस पर $7,000 की पेमेंट ड्यू थी, जो डैन को उस क्लेन नाम के आदमी को देनी थी। डैन को ये बात समझ नहीं आ रही थी कि किसी एनिमल केयर को आखिर वो इतनी बड़ी रकम क्यों देना चाहता था। यह पता लगाने के लिए डैन क्लेन के एड्रेस पर पहुंचता है तो वो जगह एक पेट स्टोर थी, जहां पर हर जगह जानवर ही जानवर थे। डैन वहां पर जाकर पेट स्टोर के मालिक क्लेन से मिलता है। डैन क्लेन को इनवॉइस दिखाता है और वो कहता है, मैंने ऐसा क्या खरीदा था जो मुझे $7,000 का इनवॉइस भेजा गया है। क्लेन उस इनवॉइस को देखकर पहचान जाता है, ये तो मिस्टर मैरिक है। और आगे क्लेन डैन को उसके ऑफिस में ले जाता है। तब डैन क्लेन से पूछता है, आखिर मैंने $7,000 का क्या खरीदा था? क्या मैंने कोई गोरिल्ला खरीदा था? क्लेन कहता है, आपने मुझसे कोई भी जानवर नहीं खरीदा था, बस आपने मेरा टाइम खरीदा था और मेरी खींची हुई कुछ फोटोग्राफ्स खरीदी थी। क्लेन अपने ड्रॉवर से एक फाइल निकालता है, उसमें कुछ फोटोग्राफ्स होती है। ये सभी वही फोटोग्राफ्स थी जो डैन को उसके सिगार बॉक्स में मिली थी। क्लेन कहता है, ये फोटोग्राफ्स मैंने आपको नए साल पर भेजी थी और उसके बाद मैं अपने पेमेंट का इंतजार कर रहा था, पर उसके बाद मुझे आपका कोई भी जवाब नहीं मिल पाया। मुझे लगा कि शायद आप मुझे मेरे पैसे नहीं देना चाहते हो, पर आपकी वाइफ ने आकर मेरी पेमेंट कर दी थी। ये बात सुनकर डैन को समझ आता है कि क्लेन असल में एक पेट स्टोर का मालिक होने के साथ साथ एक प्राइवेट डिटेक्टिव भी था। क्लेन बताता है कि वो 30 साल तक एक प्राइवेट डिटेक्टिव रहा था, पर उसके बाद उसने ये पेट स्टोर खोल दिया और पैसों के लिए वो आज भी प्राइवेट डिटेक्टिव का काम करता है। ये सुनकर डैन गहरी सोच में पड़ जाता है। तब डैन क्लेन से पूछता है, क्या आपको ये बात अजीब नहीं लगती कि जिस दिन आपने मुझे ये फोटोग्राफ्स दी थी, उसी रात मेरा इतना खतरनाक एक्सीडेंट हो गया था और उस एक्सीडेंट में मेरी हालत पूरी तरह से बिगड़ गई थी और मेरी वाइफ जुडित को एक खरोच तक भी नहीं आई। ये सुनकर क्लेन कहता है, मुझे नहीं लगता ये एक्सीडेंट आपकी वाइफ अकेले प्लान कर सकती है। ये सुनकर डैन कहता है, मैं चाहता हूँ कि आप मेरा एक और काम करो, मुझे जैक स्टेंटन नाम के आदमी के बारे में जितनी भी हो सके इन्फॉर्मेशन ला कर दो। तब क्लेन डैन का ये काम करने से मना कर देता है और वो कहता है, अगर आपकी वाइफ ने अफेयर किया भी है तो आपका भी किसी के साथ अफेयर चल रहा होगा, तो आप लोगों को अपने पास्ट को भूलकर खुशी खुशी साथ में रहना चाहिए। ऐसा कहकर क्लेन किसी काम के लिए चला जाता है। तब डैन मौका पाकर क्लेन की फाइल से जैक स्टेंटन का एक फोटोग्राफ चुरा लेता है। क्लेन के वहां से निकलने के बाद डैन काफी बेचैन हो जाता है और उसके दिमाग में कई सारे सवाल चल रहे होते हैं। इसलिए डैन जेनी से मिलने जेनी के घर पर जाता है और डैन जेनी से कहता है, हो सकता है ये बात सच हो, पर मुझे पास्ट को भुला देना चाहिए, पर मैं तुम्हारी उस बात को कभी नहीं भूल पाता कि जुडित ने ही मेरा एक्सीडेंट कराया होगा। तब जेनी कहती है, डैन तुमको अपनी फीलिंग पर यकीन करना चाहिए, जुडित एक बहुत ही झूठी लड़की है, वो कभी भी सच नहीं बोलती, और तुम एक बहुत ही रईस आदमी हो तो तुम ये चीजें समझ सकते हो कि वो ऐसा क्यों कर रही है। थोड़ी देर बाद डैन देखता है कि जेनी उसकी तरफ आगे बढ़ रही थी। जेनी के इरादे कुछ और होते हैं और जेनी डैन को किस करने लगती है। जेनी डैन को कहती है, हम दोनों पहले लवर्स थे और हम दोनों ही होटल में जाकर मिला करते थे, हम उस होटल में काफी समय साथ बिताया करते थे, हम दोनों का शादी करने का प्लान भी था। डैन यह जानकर हैरान हो जाता है और वो कहता है, मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट कभी नहीं हो सकता था, और ऐसा कहकर डैन वहां से चला जाता है। अगले दिन डैन अपने ऑफिस में पहुंचता है तो वो देखता है उसके केबिन में जेब पहले से ही बैठा हुआ था और वो कुछ पेपर्स को देख रहा था।
ये देखकर डैन समझ जाता है कि जेब उसके काम की कॉपी करने की कोशिश कर रहा है। तब जेब डैन से कहता है, मैं तो बस ये देख रहा था कि तुम ऑफिस में क्या डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हो, और ऐसा कहकर जेब वहां से चला जाता है। तभी वहां पर ऑफिस में डैन से मिलने क्लेन आता है, और डैन क्लेन से पूछता है, तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो। तब क्लेन डैन को बताता है, तुम्हारे कल वहां से जाने के बाद मैंने तुम्हारे बारे में बार बार सोचा और मुझे लगा कि शायद तुम सच बोल रहे हो। तब डैन कहता है, तुम एक दिन लेट हो गए हो क्योंकि मैंने अपना मन बदल लिया है। अब मैं पास्ट को भुलाकर आगे के बारे में सोचना चाहता हूँ। तब क्लेन कहता है, तुम गलती कर रहे हो क्योंकि मेरे पास सबूत है, शायद तुम्हारे साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। मैंने थोड़ी रिसर्च की तो मुझे यह पता चला कि ये बात बिल्कुल झूठ है कि एक्सीडेंट के वक्त तुम ही गाड़ी चला रहे थे, क्योंकि मैंने हॉस्पिटल वालों से बात की और हॉस्पिटल वालों ने मुझे ये बताया कि जैसी तुम्हें चोटें आई थी वैसी किसी ड्राइवर सीट पर बैठे इंसान को नहीं लग सकती। और दूसरी बात, तुम इतने शोर कैसे हो कि तुम्हारी वाइफ उस वक्त तुम्हारे साथ गाड़ी में ही थी। यह भी तो हो सकता है कि तुम्हारी वाइफ ने तुम्हें गाड़ी के अंदर डाला हो और तुम्हें खाई से नीचे धक्का दे दिया हो। डैन कहता है, मेरी वाइफ ये सब काम अकेले कैसे कर सकती है। तभी क्लेन की नजर डैन के ही ऑफिस में पड़ी फैक्स मशीन पर पड़ती है। क्लेन के हाथ में भी एक फैक्स होता है और उस फैक्स मशीन पर नाम लिखा देखकर क्लेन हैरान हो जाता है। क्लेन डैन को कहता है, मैंने जेक स्टेंटन को ट्रेस किया है और मैंने उसके ऑफिस का भी पता लगा लिया है जहां पर वो काम करता है। मुझे जो क्लू मिला है उससे मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि जेक स्टेंटन तुम्हारे एक्सीडेंट के समय तुम्हारे ही ऑफिस में बैठा हुआ था। क्लेन डैन को फैक्स दिखाता है जो डैन के ही ऑफिस में पड़ी फैक्स मशीन से भेजा गया था। उस फैक्स में जेक स्टेंटन ने अपनी कंपनी को बोला था कि वो नौकरी छोड़ रहा है और वो टोक्यो जापान में जाकर न्यू जॉब ज्वाइन करेगा। यह फैक्स सुबह 8 बजे 1 जनवरी को भेजा गया था डैन के एक्सीडेंट के बाद। क्लेन कहता है, ये फैक्स तुम्हारे ऑफिस की फैक्स मशीन से भेजा गया था, तो क्या मैं ये मान सकता हूँ कि तुमने अपनी ऑफिस की चाबी अपनी वाइफ को दी होगी और तुम्हारी वाइफ की मदद से ही जेक स्टेंटन तुम्हारे ऑफिस में घुस पाया होगा। तब डैन चिढ़कर बोलता है, वो मेरे एक्सीडेंट के समय हॉस्पिटल में थी। क्लेन कहता है, नहीं वो वहां पर नहीं थी। जुडिथ मेरिक ने सुबह 6:18 पर ही अपने आप को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर लिया था, और मैंने जैपनीज इमिग्रेशन वालों से पता लगाया है कि जापान में कोई भी जेक स्टेंटन नाम का आदमी 31 दिसंबर के बाद नहीं गया है। ये बात सुनकर डैन का खून खोल जाता है। डैन गुस्से से अपने घर पर पहुंचता है और वो अपने घर पर पहुंचकर अपने घर में लगे सारे फोन पर टेप रिकॉर्डिंग डिवाइस लगा देता है। वो सुनना चाहता था कि उसकी वाइफ किस आदमी से और क्या क्या बात करती है। तभी जुडिथ घर पर आती है। जुडिथ लीडिया से पूछती है, क्या मेरे लिए कोई कॉल आया था। तब लीडिया कहती है, हाँ आपके लिए कॉल आया था किसी जेक स्टेंटन नाम के आदमी का। जेक का नाम सुनते ही जुडिथ के होश उड़ जाते हैं। डैन ये सब देख रहा था और ये देखकर डैन का शक यकीन में बदल जाता है। जुडिथ घर से बाहर निकल जाती है और डैन भी अपनी कार से जुडिथ का पीछा करने लगता है। हाईवे पर जुडिथ तेज रफ्तार से गाड़ी चलाती है और डैन भी उसका पीछा कर रहा होता है। तभी जुडिथ अपनी गाड़ी एक सुनसान जगह पर जाकर रोकती है, जिस जगह पर उस वक्त काफी कोहरा था और वो जगह बिल्कुल खंडर जैसी थी। जुडिथ अपनी गाड़ी से उतरकर कहीं चली जाती है और डैन भी उसके पीछे पीछे जाता है। डैन थोड़ा आगे जाता है तो वो देखता है वहां पर एक टूटा हुआ शिप खड़ा था। शिप को देखते ही डैन को पुरानी घटनाएं याद आने लगती है। तब डैन देखता है कि वो उस जगह पर पहले भी आ चुका है। तभी जुडिथ भागकर शिप से बाहर आती है। वो बहुत घबराई हुई थी और जुडिथ वहां से भागकर निकल जाती है। डैन ये सब देख रहा था और वो भी शिप के अंदर जाता है। तो उस शिप में हर जगह गंदे केमिकल फैले हुए थे और वहां डैन को बहुत बदबू भी आ रही थी। ये सब देखकर डैन वहां से लौट जाता है। मूवी के अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्लेन डैन के घर के बाहर ही खड़ा हुआ था और वो डैन के घर की सारी फोन रिकॉर्डिंग को सुन रहा था। आगे डैन को क्लेन का फोन आता है और क्लेन डैन से कहता है, तुम 2 मिनट के अंदर मुझे बिल्डिंग के बाहर मिलो क्योंकि मुझे बहुत ही तगड़ी इन्फॉर्मेशन मिली है। डैन क्लेन से मिलता है और क्लेन डैन से कहता है, तुम ड्राइवर सीट पर बैठो। क्लेन डैन को लेकर वापस उस होटल में जाता है जहां पर डैन पहले पूछताछ करने गया था। वहां पर होटल के बाहर वो दोनों वेट कर रहे थे क्योंकि जुडिथ और स्टेंटन उसी होटल में वापस मिलने वाले थे, और ये बात क्लेन को जुडिथ की फोन रिकॉर्डिंग से पता चली थी। तभी वो देखते है उस होटल में जुडिथ की गाड़ी आकर रुकती है और जुडिथ गाड़ी से उतरकर होटल के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर बाद वहां पर एक लाल गाड़ी आती है और उस गाड़ी से कोई और नहीं बल्कि जेक स्टेंटन निकलता है और वो भी होटल के अंदर चला जाता है।
पर तभी जैक स्टेंटन वापस होटल से बाहर आ जाता है और वो अपनी गाड़ी में बैठकर कहीं निकल जाता है। तब डैन उस लाल गाड़ी का पीछा करने लगता है और पीछा करते करते वो गाड़ी एक सुनसान जंगल में पहुंच जाती है जहां पर आगे जाने का कोई रास्ता नहीं था। डैन को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर वो लाल गाड़ी उनकी आंखों के सामने कहां उजल हो गई। तभी झाड़ियों से वो लाल गाड़ी बाहर आती है और उस गाड़ी से एक आदमी गन निकालकर डैन और क्लेन पर गोलियां चलाने लगता है और उसके बाद भी डैन उस गाड़ी से उस लाल गाड़ी का पीछा करता है। वो लाल गाड़ी फुल स्पीड में चल रही थी तो डैन भी अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ा देता है। थोड़ी देर बाद उन दोनों की गाड़ी आमने सामने आकर खड़ी हो जाती है। तब वो दोनों अपनी गाड़ी एक दूसरे की तरफ फुल स्पीड में दौड़ाने लगते हैं। तब क्लेन मौका देखकर गाड़ी का स्टीयरिंग घुमा देता है और उन दोनों की गाड़ी की टक्कर होने से बच जाती है और वो लाल गाड़ी में बैठा आदमी वहां से भाग जाता है। डैन और क्लेन गाड़ी से बाहर निकलते हैं और अपनी गाड़ी की इतनी बुरी हालत देखकर क्लेन बहुत गुस्सा होता है क्योंकि उसे वो गाड़ी बहुत पसंद थी। और तब डैन कहता है, मुझे एक बात समझ नहीं आई कि आखिर मेरी वाइफ ने मुझे धोखा क्यों दिया। तब क्लेन कहता है, तुम्हें ये बात भूल जाना चाहिए और तुम्हें अब पुलिस के पास जाना चाहिए। डैन कहता है, पर पुलिस के पास जाने से पहले मैं जूडिस से पहले बात करना चाहूंगा। क्लेन कहता है, अब बात करने के लिए कुछ नहीं बचा है, पर फिर भी अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ये तुम पर छोड़ दूंगा। और ऐसा कहकर क्लेन डैन को एक गन देता है उसकी सेफ्टी के लिए। डैन वापस अपने घर पर आ जाता है और वो घर में जूडिस का वेट करने लगता है। थोड़ी देर बाद डैन देखता है कि कोई गाड़ी आ रही है। डैन गौर से देखता है तो उसे पता चलता है ये वही लाल गाड़ी थी जिस गाड़ी से उन पर हमला किया गया था। डैन को लगता है कि शायद इस गाड़ी में जैक स्टेंटन होगा और वो घर में ही आ रहा है। डैन क्लेन की गन निकालकर रूम में वेट करने लगता है। तभी कोई डैन के रूम में आता है और डैन उस पर गन अड़ा देता है। स्टेंटन पीछे मुड़ता है और उसे देखकर डैन शॉक रह जाता है। तब डैन देखता है वो आदमी कोई जैक स्टेंटन नहीं था, वो उसकी वाइफ जूडिथ थी जो जैक स्टेंटन के कपड़ों में विग लगाकर वहां पर आई थी। तब जूडिथ डैन को 31 दिसंबर की रात का सच बताने लगती है। जूडिथ डैन को कहती है, उस रात जेब की पार्टी में हम दोनों की लड़ाई हो गई थी, फिर हम दोनों घर पर आ गए थे और तुमने काफी पी रखी थी और तुम बहुत गुस्से में भी थे क्योंकि तुम्हें मेरे और जैक स्टेंटन के बारे में सब कुछ पता चल गया था। तब मैंने जैक स्टेंटन को अपनी मदद के लिए घर पर बुला लिया था। तब जैक मेरी मदद करने के लिए घर पर आया था और तुमने उसे गोली मार दी थी और वो वहीं पर मारा गया। उसके बाद मैंने और तुमने मिलकर जैक स्टेंटन की बॉडी को ठिकाने लगा दिया था। हम उस बॉडी को ठिकाने लगाकर वापस घर पर आ रहे थे तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। जूडिथ की बातें सुनकर डैन कहता है, मुझे तुम्हारी बात पर यकीन नहीं हो रहा। जूडिथ कहती है, पर मैंने ये सब तुम्हें बचाने के लिए किया था क्योंकि तुमने फिर से उस डिटेक्टिव क्लेन को हायर कर लिया था। उस डिटेक्टिव को यकीन दिलाने कि जैक स्टेंटन अभी तक भी जिंदा है और अभी तक भी मेरा उसके साथ अफेयर चल रहा है। मैं जैक स्टेंटन बनकर घूम रही हूँ और आज होटल में पहले मैं जूडिथ बनकर गई थी अपनी मर्सिडीज से और मैं होटल के पिछले दरवाजे से बाहर निकल गई थी और उसके बाद मैं स्टेंटन का गेटअप लेकर लाल वाली गाड़ी से वहां पर गई थी। तब डैन जूडिथ से कहता है, अगर तुम सही बोल रही हो कि मैंने स्टेंटन को मारा था तो मेरे एक्सीडेंट के बाद स्टेंटन मेरे ऑफिस से फैक्स कैसे कर सकता है। डैन यहाँ कहकर जूडिथ को एक जोरदार थप्पड़ मारता है। तब जूडिथ कहती है, वो फैक्स मैंने किया था ताकि किसी को ये ना लगे कि जैक स्टेंटन गायब हो गया है, इसलिए मैंने स्टेंटन की सारी ड्यू पेमेंट भी की थी और मैंने उसके ऑफिस में इन्फॉर्मेशन भी दी थी कि वो टोक्यो जा रहा है। ये सारी बातें सुनकर डैन को जूडिथ पर विश्वास होने लगता है और जूडिथ डैन से कहती है, तुमने खुद ही उस डिटेक्टिव क्लेन को हायर कर लिया जो अब हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत बन गया है। हमें आज रात ही यहाँ से निकलना होगा क्योंकि किसी को शक हो गया है कि तुमने ही जैक स्टेंटन को मारा है। उसी इंसान ने स्टेंटन बनकर घर पर फोन किया था, इसलिए मैं घबरा गई थी और घबरा कर मैं उस टूटी हुई शिप पर चली गई थी जहाँ पर हम लोगों ने स्टेंटन की बॉडी को छुपाया था। पर स्टेंटन की बॉडी अभी भी वहीं पर है। हम यहाँ पर बिल्कुल नहीं रुक सकते, हम आज रात ही मेक्सिको के लिए निकल जाएंगे। और जूडिथ डैन को उसका बैग पैक करने के लिए कहती है और वो कहती है, मैं पैसों का अरेंजमेंट करने जा रही हूँ। ऐसा कहकर जूडिथ वहां से चली जाती है। आगे डैन अपने घर पर लेटा होता है तो उसे वापस उस टूटी हुई शिप के कुछ सीन दिखाई देने लगते है। उसे याद आता है कि वो किसी मरे इंसान की बॉडी को घसीट कर अंदर ले जा रहे थे और शिप के अंदर ही एक केमिकल से भरे टैंक में उस बॉडी को डाल देते हैं। तभी डैन के घर का फोन रिंग होता है और डैन फोन अटेंड करता है
और जेनी डैन से कहती है, मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात बतानी है, तुम मुझसे अभी आकर मिलो, अगर तुम मुझसे आकर नहीं मिले तो मैं पुलिस को सब कुछ सच सच बता दूंगी। यह सुनकर डैन डर जाता है और वो दौड़ता हुआ जेनी के घर पर पहुंचता है और वो जेनी के घर की डोर बेल बजाता है। काफी देर तक कोई भी दरवाजा नहीं खोलता। इसके बाद डैन दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता है तो वो देखता है जेनी बेड पर लेटी हुई थी। डैन जेनी को हिलाकर देखता है तो उसे पता चलता है जेनी अब मर चुकी है, किसी ने उसे चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी थी। जेनी की बॉडी को देखकर डैन पूरी तरह से घबरा जाता है। तभी वहां पर क्लेन भी आ जाता है और क्लेन को देखकर डैन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसने ये मर्डर नहीं किया है। तब क्लेन कहता है, मैंने तुम्हारे घर की फोन की रिकॉर्डिंग सुनी थी जिसमें जेनी ने तुम्हें घर पर बुलाया था। मैंने उस होटल के पार्किंग वाले से भी बात की थी तो उसने मुझे बताया था कि जो आदमी स्टेंटन बनकर घूम रहा था वो कोई आदमी नहीं था बल्कि असल में एक लड़की थी। क्लेन इस बात को गेस कर लेता है कि अगर जुडित स्टेंटन की गाड़ी को लेकर घूम रही थी तो इसका मतलब यही है कि जैक स्टेंटन अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसकी बॉडी शायद उसी टूटी हुई शिप में होगी जहां पर डैन जुडित का पीछा करते हुए गया था। क्लेन को शक था कि डैन ने ही स्टेंटन का मर्डर किया था। 31 दिसंबर की रात जब उसने डैन को फोटोज भेजी थी तो डैन को बचाने के लिए उसकी वाइफ जुडित ये सारा नाटक कर रही थी, इसी वजह से यहाँ पर जेनी की लाश भी पड़ी है। तब डैन कहता है, मैंने जेनी को नहीं मारा है। तब क्लेन पुलिस वालों को फोन करने लगता है। तब डैन क्लेन से एक रिक्वेस्ट करता है, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागने वाला, बस मुझे एक मौका मिलना चाहिए ताकि मैं याद कर सकूं कि उस रात आखिर क्या हुआ था, इसलिए मुझे एक बार उस शिप तक जाने दो। डैन की बात सुनकर क्लेन उसकी बात मान जाता है और वो पुलिस वालों को बस इतना बताता है कि जेनी के घर के पते पर एक औरत की लाश पड़ी है। आगे डैन और क्लेन दोनों उस टूटी हुई शिप पर जाते हैं और डैन को शिप पर पहुंचकर पुरानी घटनाएं याद आने लगती है। उसी के सहारे डैन शिप पर ही बने केमिकल टैंक तक पहुंच जाता है और उसे शक था उसी केमिकल टैंक में उसने जैक स्टेंटन की बॉडी को डाला था तो उस केमिकल टैंक में एक आदमी की बॉडी तैर रही थी। यह देखकर क्लेन कहता है, ये बॉडी जैक स्टेंटन की होगी। डैन को यह देखकर एहसास हो गया था कि शायद उसने ही स्टेंटन को मारा था और डैन स्टेंटन की बॉडी को टैंक से बाहर निकालता है और जैसे ही बॉडी का चेहरा देखता है तो उसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं क्योंकि उस बॉडी का चेहरा हूबहू डैन के चेहरे से मिल रहा था। यह देखकर डैन कहता है, ये तो डैन मेरिक की लाश है। डैन को यह सब देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ ये सब हो क्या रहा है, पर क्लेन डैन की बॉडी को देखकर सब कुछ समझ जाता है और वो कहता है, अगर ये डैन मेरिक की बॉडी है तो डैन असल में जैक स्टेंटन है। डैन यानी जैक स्टेंटन इस सदमे से घबरा जाता है और वो नीचे गिर जाता है और उसका सर एक लोहे के पाइप से जा लगता है। तब जैक स्टेंटन की मेमोरी वापस आ जाती है। वो अच्छे से याद कर पाता है कि वो कैसे जुडित के साथ इंटीमेट हो रहा था। तब क्लेन जैक से कहता है, तुम्हें याद करना चाहिए कि उस रात क्या हुआ था। आगे जैक पूरी तरह से उस दिन की रात को याद करने की कोशिश करता है। तब जैक बताता है, उस दिन मैं होटल में न्यू ईयर पार्टी बना रहा था, तभी मेरे पास जुडित का फोन आया था और उसने मुझसे कहा था कि डैन पागल हो गया है। तब मैं जुडित की हेल्प करने डैन के घर पर गया, तब मुझे वहां पर जुडित और डैन के लड़ने की आवाजें आ रही थी। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो जुडित ने मेरी आंखों के सामने डैन को गोली मार दी थी। डैन के सर पर गोली लगी थी और उसकी मौके पर ही मौत हो चुकी थी। तब मैंने जुडित से कहा, हमें पुलिस को बुला लेना चाहिए, इसलिए उसने किसी तरह से मुझे मना लिया डैन की बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए। तब मैं और जुडी डैन की बॉडी को इस शिप पर ले आए और उसे केमिकल के टैंक में डाल दिया। जुडित बोल रही थी कि इस केमिकल में डैन की बॉडी डिसॉल्व हो जाएगी। तब क्लेन कहता है, यानी जुडित ने बिल्कुल गलत गेस किया, ये केमिकल वो नहीं जिसमें बॉडी डिसॉल्व हो सकती है, बल्कि इस केमिकल ने तो डैन की बॉडी को प्रिजर्व करने का काम किया है और उसकी बॉडी अभी तक भी सुरक्षित है। जैक कहता है, बॉडी को इस केमिकल में डालने के बाद हम वापस जाने लगे। तब जुडित मुझसे कहने लगी कि हम दोनों को मेक्सिको चले जाना चाहिए, पर मैं अपनी जिंदगी भागकर गुजारना नहीं चाहता था और इसी बात पर हम दोनों की कार में बहस होने लगी और हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया और जुडित कार के खाई में गिरते ही कार से बाहर जा गिरी थी, इसलिए उसे ज्यादा चोट नहीं आई। तभी कोई क्लेन पर गोली चलाता है और क्लेन पानी के अंदर जा गिरता है और तब जैक देखता है कि कोई पानी के अंदर भी गोली चला रहा था। जैक पलट कर देखता है तो वो लेडी जुडित थी और जुडित जैक के पास आकर कहती है, अब तुम्हारी याददाश्त वापस आ गई है तो अब हमें यह नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
तब जैक कहता है तुम पागल हो गई हो, और जैक क्लेन को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है, पर उसे क्लेन पानी में कहीं भी नहीं मिल रहा था। और जूडी जैक से कहती है मुझे जेनी को मारना पड़ा क्योंकि वो हमारे बारे में सब कुछ सच जान चुकी थी कि जो आदमी डेन बनकर घूम रहा है असल में वो जैक स्टेंटन है, और अगर अब तुम मेरे साथ सीधे से नहीं चले तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगी। जूडी जैक को अपनी कार में बिठाकर मैक्सिको ले जाने लगती है। जैक जूडी की सारी बातों को सुन रहा था तभी उसे गाड़ी के साइड मिरर में एक पुलिस का हेलीकॉप्टर दिखाई देता है और वो एक गोली शीशे पर चला देता है। गोली चलते ही गाड़ी का कंट्रोल बिगड़ जाता है, पर जूडिथ एक्सीलेटर से पांव नहीं हटाती और वो फुल स्पीड में गाड़ी दौड़ाने लगती है। अपने पीछे आ रहे हेलीकॉप्टर को देखकर जूडिथ पूरी तरह से पैनिक हो जाती है, और जैक जूडिथ से कहता है मुझे लगता है तुम्हें गाड़ी रोकना चाहिए क्योंकि अब सब कुछ खत्म हो चुका है। जूडिथ कहती है मैं गाड़ी नहीं रोकने वाली, और जूडिथ गाड़ी को रोड के किनारे चलाने लगती है। रोड के दूसरी तरफ गहरी खाई थी और जैक समझ जाता है कि जूडिथ क्या करना चाह रही है। तब जैक गाड़ी का दरवाजा खोलकर गाड़ी से कूद जाता है और जूडिथ की गाड़ी बैरियर तोड़कर हवा में उड़ जाती है और एक गहरी खाई में जाकर गिरती है जहां पर एक बड़ा ब्लास्ट होता है। पुलिस का हेलीकॉप्टर भी वहीं लैंड होता है और हेलीकॉप्टर से क्लेन उतरता है। जैक क्लेन को देखकर बहुत खुश होता है और वो पूछता है तुम कैसे बच गए। तब क्लेन अपना अस्थमा पंप दिखाता है और वो कहता है ये मेरा ऑक्सीजन टैंक था और इसी की वजह से मैं पानी में बच पाया। तब पुलिस जैक को डेन मेरिक के नाम से एड्रेस करती है और ये देखकर जैक समझ जाता है कि वो बाहरी दुनिया के लिए अभी भी डेन मेरिक है और ये सच्चाई बस क्लेन ही जानता था। जैक को यकीन हो गया था कि क्लेन ये बात पुलिस को नहीं बताने वाला और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।